मेरे महबूब ने फरमाया सी बुखारी दी हदीस है, आपने फरमाया आला वकाफिलुल यतीमी फिल जन्ना। अल्लाहु अकबर। मेरे नबी ने फरमाया मैं ते यतीम दी कफालत करने वाला, यतीम दी परवरिश करने वाला, यतीम नाल प्यार करने वाला, यतीम नाल चंगा सलूक करने वाला, यतीम नू रोटियां खवान वाला, खाण वाला नहीं यतीम दा माल, यतीम नू खवान वाला, यतीम दी निगरानी करने वाला, यतीम दी परवरिश करने वाला, मैं ते यतीम दी कफालत करने वाला। अल्लाह दे प्यारे नबी ने फरमाया अना वकाफिलुल यतीमी फिल जन्ना। अहा कजा मेरे महबूब ने ना दो उंगलों का इशारा फरमाया, आपने फरमाया जिमें दो उंगलां आपस के अंदर करीब करीब ने, क्योंकि नबियां का तो दर्जा ही बहुत ज्यादा होएगा जन्नत अंदर। इतने भी बात समझ लेना, मेरे नबी का तो सारे नबियां नालों जन्नत अंदर आला मुकाम होएगा, आला मेरे नबी मन जनाब मंजिला फायज होणगे, आला मनसब ते मेरे महबूब फायज होणगे। लेकिन आपने फरमाया यतीम नाल जिहड़ा प्यार करन वाला होएगा वह भी मेरे करीब होएगा, मेरे दर्जे नूं नहीं पहुँचेगा मेरे करीब होएगा। हाँ हाँ, नबी दा दर्जा बहुत बुलंद दर्जा है, बहुत बुलंद मर्तबा होएगा। मेरे महबूब दी अल्लाह ने दुनिया अंदर भी उच्ची शान बनाई है, आखरत अंदर भी प्यारे महबूब दी उच्ची शान है। अल्लाहु अकबर। जी 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 जी, आपने फरमाया आहा कजा मेरे करीब करीब होएगा, यानी मेरा जन्नत अंदर गवांडी होएगा। सोने यतीम नाल प्यार कर ले, यतीम नाल मुहब्बत फरमा ले, अल्लाह तेनू मेरे नबी दा संग साथ नसीब फरमा देगा। दूसरी रवायत अंदर इमाम निसाई ने हदीस नू सही करार दिता है ना, मेरे और तुहाडे प्यारे महबूब पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है ना, अल्लाह दे महबूब ने इन्हें वसीयत फरमाई है, नाल दुआ फरमाई है। आपने फरमाया अल्लाहुम्मा इन्नी उहर्रिजु हक्कल ज़िफ़ैल अल यतीम वल मर्रा। आपने फरमाया लोगो मैं तुहानू एक एहो जी बात क्यों ना दस दसदा चला जावा, मेरे नबी ने फरमाया अल्लाह कोलू दुआ मंगया करो, अल्लाह कोलू इस चीज़ की पनाह मंगया करो कि अल्लाह दो ज़ईफां, मेरे नबी ने फरमाया मैं तुहानू दो ज़ईफां दे हक तो डरावा, दो ज़ईफां लोगों के हक कोलू डराण वास्ते तुहानू एक बात बतलावा। सहाबा रस करते ने या रसूल अल्लाह हुक्म इरशाद फरमाओ, मेरे नबी ने फरमाया एक ते जनाब यतीम दा ख्याल करना है, यानी ओदे माल नू जाया नहीं करना, ओदे नाल मेहरबानी करनी है, शफकत करनी है, प्यार करना है, मुहब्बत करनी है, ओदे माल नू मत खाया जे। दूसरा औरत दे मुतलक मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया औरतां नाल अच्छा सलूक करे जे ना, औरत ते इल्जाम नेक औरत होवे साले औरत होवे ओदे ते इल्जाम तराशियां नहीं करनियां, ओदे खिलाफ तरह तरह दियां बातां नहीं बनानियां ने। इन्हां दोवां चीज़ां अंदर सहाबियो मैं तुहानू अल्लाह दा वास्ता दे करके कहना डर जाओ। ये दोवें मामले बड़े हसास ने। अगर जनाब यतीम दा माल तुहाडे जिम्मे आ जावे ते उन्हूं खाना नहीं है बल्कि उन्हूं संभाल करके रख देना है। कुरान पाक ने सूरत कहफ़ दे अंदर फरमाया है ना अल्लाहु अकबर के जदो जनाब यतीम बच्चा जवान हो जावे, बलूगत नूं पहुँच जावे, निकाह दे जनाब उम्र नूं पहुँच जावे, फिर उहदा माल उहदे हवाले कर देना है। और इस तरह अगर वह खा लोगे तो तभी जनाब जहन्नम दा बालन बनोगे, अगर सालिया नेक खातून ते इल्ज़ाम तराशी कर दी तो फिर भी जहन्नम दा बालन बन जाओ।